अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इस डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। और ये मैंने 2 से 3 साल की बच्ची का माप रेडी किया है। और यहाँ पर मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक जो है वो शर्ट के लिए लिया है और 1 मीटर मैंने शलवार के लिए लिया है। और हम ट्यूलिप शलवार इसकी बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने टॉप पार्ट के लिए 2 फैब्रिक पीस अलग किए हैं। एक की लेंथ 10 इंच है और ये हमारा बैक का टॉप है। और फ्रंट के लिए हमने 18 इंच फैब्रिक की लेंथ ली है और 7.5 दोनों की विड्थ है। और अब हम यहाँ पर माप के मुताबिक ड्राफ्टिंग करेंगे। तो शोल्डर हमारा 9 इंच है तो हमने मार्जिन के साथ 5 पे मार्क किया और आर्म होल के लिए हमने 5.5 पे मार्क किया। और 1/2 इंच हमारा कंधे की शेप में जाएगा और चेस्ट हमारी 13 इंच है तो हम यहाँ पर 13 पे मार्क करेंगे। और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। और अब हम आर्म होल के लिए आर्म होल की गुलाई कर देंगे और नेक की विड्थ छोड़ते हुए बाकी हम कंधे की शेप दे देंगे 1/2 इंच पे। और इसको अब हम कटिंग करेंगे। शॉर्ट वाला जो है वो हमारा बैक का टॉप है और जिसकी लेंथ ज़्यादा है ये हमारा फ्रंट है। और एक हमने वेस्ट पे कटिंग पॉइंट बना लिया। यहाँ हम चाहें तो 1/2 इंच की फिटिंग करेंगे और आप चाहें तो ना करें। और यहाँ अब हम जो है अम्ब्रेला के लिए एक पीस निकालेंगे 26 इंच का और उसे हम इस तरीके से माप करते हुए फैब्रिक के एक कोने से एक तरफ और दूसरी तरफ 26 इंच माप करते हुए हम एक चकोर पीस निकालेंगे। इस तरीके से हम रख के कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने चकोर पीस निकाल लिया है और अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और इसको हम अच्छे से सेट करेंगे। और अब 13 इंच पे हम कॉर्नर से माप करते जाएंगे और राउंड में मार्क करते जाएंगे। और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारा कटिंग हो चुका है। अब हमने उसे खोल के नीचे वाले पार्ट को 5 इंच छोड़ते हुए ऊपर वाला इस तरीके से रखेंगे। एक तरफ हमारा कम पड़ जाए और दूसरा तरफ हम जो है लेंथ ज़्यादा रखेंगे। और अब हम यहाँ पर कोने में जितनी हमारी वेस्ट हो उसका उसका चौथाई हम यहाँ पर मार्क करेंगे। और अब हम छोटे वाले पार्ट को इस तरीके से कट करके यहाँ पर इसे ओपन कर लेंगे। तो ये हमारा बॉटम इस तरह से अटैच होगा और ये हमारी बैक साइड है और फ्रंट हमारी जो है वो शॉर्ट है। और अब हम इसमें नेक को कटिंग करेंगे और नेक की भी 2 इंच और लेंथ भी 2 इंच पे हमने मार्क किया। और बैक वाली साइड पे हम 1 इंच मार्क करेंगे। तो हमने दोनों को एक साथ बैक वाला नेक कट किया और अब बैक वाले को अलग करके 1 इंच की गहराई दे दी फ्रंट नेक में। और यहाँ पर अब हम इनसाइड फैब्रिक जो कि हमने नीचे लगाना है उसे कट करेंगे।
तो ये हमारा फ्रंट वाला नेक है। और अब बैक वाले नेक के लिए फैब्रिक कट करेंगे और यहाँ हमने 3 इंच के लिए कट जो लगाना है उसके लिए भी फैब्रिक कट करेंगे। और दोनों नेक हम इस तरीके से बना लेंगे। आप चाहे तो बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों साइड में हम नेक को इस तरीके से सिलाई कर लेंगे और उसके बाद शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर स्लीव की विड्थ जो है वो हमने 5 इंच रखी है, जितने की हमारी आर्म होल की विड्थ थी। और 4 इंच का बॉटम हमने स्लीव का रखा और स्लीव की कटिंग कर रहे हैं। तो स्लीव हमारे पास तैयार हो के 8 इंच आएगी और टोटल स्लीव हमारी 11 इंच है। 3 इंच का हम यहाँ पर रफल कट करेंगे। तो ये चकोर पीस हमारे पास इक्वल 10 इंच है और यहाँ पर हम 5 इंच का राउंड मार करके हमने इसको कट कर लिया है और यहाँ से हम 1 इंच और कट कर देंगे। तो 4 इंच रह जाएगा हमारा, 1 इंच सिलाई में जाएगा और तैयार रफल हमारी 3 इंच रह जाएगी। और ये रफल हमारे स्लीव के साथ इस तरीके से अटैच होगी। और यहाँ मैंने एक दरमियान में स्ट्रैप बनाने के लिए 2 इंच फोल्डेड कपड़ा लिया है और 17 इंच इसकी लेंथ है और उस पे 1/2 इंच की सिलाई लगा के अब हम इसको राइट साइड को टर्न करेंगे और दरमियान में सिलाई को लाते हुए इस तरीके से हम इसको प्रेस करेंगे। और यहाँ फ्रंट में हम इसको क्रेज लाइन के ऊपर एक तरफ को सिलाई कर देंगे। हमने इसको बटन टेक की लुक देनी है, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए है। यहाँ पे हमने जो है राइट साइड पे सिलाई लगा दी है और जो है लेफ्ट साइड पर ये ओपन है। और यहाँ पर हमारी नेक तैयार हो गई और बैक में हमने बॉटम को भी ज्वाइन कर लिया और यहाँ पर मैंने एक बटन के लिए लूप लगा दी है। तो दोनों हमारे जो है नेक भी तैयार हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पर शोल्डर की सिलाई इस तरीके से रख के लगाएंगे। बैक वाला जो इनसाइड फैब्रिक है उसको हम यूँ ओपन करके और दोबारा से फ्रंट नेक को दरमियान में रखते हुए जो है स्टिच करेंगे शोल्डर को। तो ये हमारा बहुत नफासत से सफाई के साथ हमारे शोल्डर अटैच हो गए हैं। और अब हम जो है फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर अगर हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचता हो तो हम उसे कट करेंगे। राउंड में इसकी कटिंग होती है तो ये अमूमन जो है बढ़ जाता है, तो आप भी उसे कट कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर मैंने राउंड में स्लीव भी लगा दिए हैं और हमने इसको बाकी की सारी सिंपल स्टिच पूरी कर ली है। और यहाँ मैंने बारीक फोल्ड कर दिया है और दामन को पहले मैंने फोल्ड करके उसके बाद लेस लगा दी है और यहाँ मैंने बटन लगा दिए हैं फैब्रिक से बना के। और ये बटन आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं कि मैंने ये फैब्रिक बटन किस तरह से रेडी किए हैं। तो ये हमारे डिज़ाइन की फाइनल लुक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये शलवार है तो ये इसकी मैंने वीडियो जो है वो अलग से अपलोड की है, क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो जाती तो आपको जो है मुश्किल होती। और ये हमारा तैयार माप है, 18 इंच इसका फ्रंट है और बैक हमारी 23 इंच है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर भी लास्ट में कर दीजिए। तो हमें याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।